हेलो एवरीवन गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस हैप्पी मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल येस गाइस एम आई लाइव लेट मी जस्ट चेक वंस मुझे तो अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है यहां पर आई गेस आई एम नॉट लेट मी चेक ओके सो योर इट इज गाइस हैप्पी मॉर्निंग कैसे हो सभी लोग यस yes. शु कुमार ने कुछ लिखा है यू हैव टू लिव द सिटी ऑफ योर कंफर्ट टू गेट द दिल्डियरनेस ऑफ योर इमेजिनेशन फॉर डिस्कवरिंग समथिंग वंडरफुल एंड मीनिंगफुल एंड व्हाट यू विल डिस्कवर इज योर सेल्फ वाव हैप्पी मॉर्निंग अखी भैया यस दिस इज सो वंडरफुल दिस इज सो वंडरफुल हम लोग हमारे कंफर्ट जोन में इतने खुश है इतने खुश है चाहे हमें कुछ बड़ा करना है फिर भी हम लोग वो करने से ज्यादा हमें वो कंफर्ट जोन में खुशी मिलती है बट आई वुड से दैट वंस यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वहां पर तुम जीत जाओगे यस यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग नहीं पता क्या करोगे बट समथिंग बिग यू आर गोइंग टू डू इफ यू आर आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन राइट यस बिल्कुल सही कहा है वैशु ऑसम awesome, ऑसम awesome. जेठालाल गादा इज यर कैसे हो जेठा भाई देखो मैंने आज तुम्हें सबसे पहले मैंने तुम्हें ऑब्जर्व कर लिया देख लिया हेलो भै गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग त्रिपाठी श्रीति अर्चित रितु प्रियंका राधिका मानसी एवरीवन गुड मॉर्निंग सोनल सो फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग एनफ फेलियर विल नेवर नेवर ओवरकम मी डेफिनेटली गाइज डेफिनेटली इफ योर डिटर्मिनेशन नेशन इज मोर स्ट्रोंगर देन इट राइट डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउडली और हमेशा मैं तो कहता हूं कि यार लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए चाहे तुम कुछ हासिल करो या ना करो द लाइफ शुड गो ऑन राइट चैलेंजेस आर व्हाट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग Overcoming them is what makes ट मेक्स लाइफ मीनिंगफुलिस इज सो गुड रिया दिस इज सो गुड क्योंकि हमारी जिंदगी एक ऐसे प्लेन होगी तो मजा भी नहीं आएगा राइट तो मजा भी तो नहीं आएगा life में लेकिन हाँ अगर मैं मैंने कुछ हासिल कर लिया और मैं पीछे जाके देखू कि यार कितने सारे स्पीड थे यार मेरे लाइफ में लेकिन टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर और वो जब खुशी मिलेगी तुम्हें कि यार मैं आज यहां पर हूं और मेरे मैंने कितने स्पीड ब्रेकर को ओवरकम किया था यू विल डेफिनेटली फील मोर प्राउड अबाउट योर सेल्फ बहुत ऑसम बहुत ऑसम जेटाला कह रहे हैं कि बेटा थर्टी डेज बचे तो चुप चाप पढ़ लो एवरी वन सुन लिया तुमने सुन लिया तुमने तीस दिन तीस दिन है तुम्हारे पास और इस तीस दिन को तुमसे कोई नहीं छीन सकता है तुम्हें तुम्हारा बेस्ट देना होगा बच्चों इस तीस दिन में गेटिंग सूरज गुड मॉर्निंग अखिलेश भैया जी सूरज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कतई जहर आपका कंटेंट रहता है कालीन भैया ओ कालीन भैया थैंक यू सो मच कतई जहर आपका कंटेंट होता है ओके हार्डवर्क इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द ग्रेट सक्सेस हैप्पी मॉर्निंग एवरी वन ग्रेट मृदुल वाउट यूज प्रणव सर क्लास लेंगे क्या शायद नहीं होगा शायद नहीं होगा ही इन टू सम इमरजेंसी सो मे बी नॉट मे बी नॉट इफ यू आर फाइंडिंग सम वन हु कैन चेंज यूर लाइफ लुक इन टू द मिरर बहुत सही कहा है यू आर फाइंडिंग फॉर सहारा ऑफ योर लाइफ ना यार इसके कंधे पे थोड़ा रो देता हूं उसके कंधे पे थोड़ा रो देता हूं ये मेरी हेल्प कर देगा वो मेरी हेल्प कर देगा एवरीथिंग इज टेम्पररी यार दो द पर्सन कैन चेंज योर लाइफ इज यू योर सेल्फ सो प्लीज 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 खुद पे दया करना बंद करो खुद पे दया करना बंद करो और आगे बढ़ो गाइस आगे बढ़ो ठीक है सर मुझे क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोला अरे सूरज गुड मॉर्निंग यार यस कालीन भैया आपका नाम ही इतना जहर है यू स्टार्टेड इन द मॉर्निंग इट्स राइट यू स्टार्टेड इन द मॉर्निंग इट्स सेल्फ ओके ओके गाइस तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही ऑसम ऑसम कोर्ट्स के साथ वी हैव हैव स्टार्टेड डे एंड लेट्स लेट्स दिस एनर्जी थ्रू आउट द एंटायर डे यू हैव लॉन्ग डे टू गो तुम्हें बहुत सारी क्लासेस करनी है सेल्फ स्टडीज करनी है थर्टी डेज पे एग्जाम हो रही है एंड ये गाइड यू हैव टू बी की एक दूसरे को मोटिवेट करते रहना है फ्रेंड्स को उसको डिमोटिवेट मत करो कि यार यार कुछ पढ़ाई नहीं हुई है मेरी तू भी मत कर ऐसा नहीं करना है ठीक है ओके ओके सो खान लेट्स बिगेन नाव लेट्स बिगेन फोर एवरी वन न्यू कमर्स लेटमी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली That चिंता यहां पर खत्म होने वाली है क्योंकि बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के सारे चैप्टर्स अन अकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू फॉर द बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के प्रॉब्लम्स तो कोई भी बच्चा पूछता है कि बिजनेस एंड नॉलेज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कैसे पढ़ाई करू कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत टेंशन आ रहा है वॉट शुड आई डू तो उसको बस एक ही नाम कह देना बच्चों यहां पर इस अन अकेडमी के, के प्लेटफॉर्म पर वो जाएगा और उसको कहना आखिर भैया से पढ़ लो ये देखना बच्चों यहां पर ये देखना यहां पर अखिलेश डा इस नाम पे बस क्लिक करना है तुम्हें यहां पर इसको फॉलो भी करना है तुम्हें एंड यू कैन चेक इट आउट ऑफ अयर इतने सारे लेक्चर्स मैंने लिए हैं कंटिन्यूसली रोज 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 ना ही लेक्चर लिए बट रिवीजन भी करवाया है सो so, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की समस्या यहां पर आकर सॉल्व हो जाएगी बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज की सो डेफिनेटली गाइड खूब शेयर करो लोगों की मदद करो स्टूडेंट्स की मदद करो एंड लेटर्स क्रैक इट टूगेदर बिकॉज वी वॉन्ट टू वी वॉन्ट टू एनी हाउ एनी हाउ एनी हाउ वी वॉन्ट टू एडुकेट एवरी पास भी अच्छे से हो जाओ बिकॉज में कहता हूं ना कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही बहुत ही स्कोरिंग है राइट right? ये बहुत ही स्कोरिंग है और मैं चाहता हूं कि तुम इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओ कहीं ना कहीं पर पता नहीं वो वन नाइनटी नाइन वाला ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की वजह से दो सौ पर आ जाए राइट right? ये है, लेकिन टेस्ट सीरीज लेनी रहेगी तो टेस्ट सीरीज के लिए बच्चों तुम्हें यह लॉक को ओपन करना पड़ेगा ये टेस्ट सीरीज हमारी इलेवेंथ ऑफ अक्टोबर से शुरू हो रही है हर अल्टरनेट डे पे तुम्हारा पेपर होगा इकोनॉमिक्स का लेकिन हर रोज तुम्हारी टेस्ट चलेगी क्योंकि एक दिन इको एक दिन मैथ्स एक दिन इको एक दिन मैथ्स ऐसे टोटल हम लोग करीबन नाइन हंड्रेड एमसीक्यू रीगरस प्रैक्टिस नॉट ओनली टेस्ट बट ऑल्सो द डिस्कशन बहुत मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा आने, आने वाला है इतनी रिगरस प्रैक्टिस के साथ यू आर जस्ट गोइंग टू गाइज इट मे बी यू डोंट नो यू माइट बी द वन हु इज गोइंग टू बी अबाउट एटी एटी फाइव नाइनटी ऑल्सो राइट उसके लिए बच्चों तुम्हें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा लेकिन वन मंथ का भी सब्सक्रिप्शन तुम डेफिनेटली ले सकते हो देखना बच्चों थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड है इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ राइट डी ए जी ए वन जीरो अगर अप्लाई करते हो तो ये और भी कम हो जाएगा थ्री वन फाइव जीरो आजकल बच्चों अगर तुम देखोगे तो नर्सरी की फीस भी एक एक लाख रुपए होती है प्रोफेशनल फीस के लिए खुद को टेस्ट करने के लिए यू कैन थिंक अबाउट इट अगेन इट इज नॉट अ मैंडेटरी बट डेफिनेटली इट इज गुड समथिंग गुड यू आर इन्वेस्टिंग इन योर नॉलेज राइट थोड़ा खर्चा कम कर देना दूसरा गेटिंग एवरी वन सो येस गाइज यू कैन थिंक अबाउट इट यू कैन थिंक अबाउट इट एंड डेफिनेटली आई वुड से दैट प्रोफेशनल कोर्सेज में यार इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना गेडिंग सो येस गाइज डी ए जी ए वन जीरो इज माई कोड एंड भूलिएगा मत भूलिएगा मत एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट दैट ऑन इलेवें बहुत ही मजा आने वाला है रिगरस प्रैक्टिस होने वाली है सो ये प्लान योर सेल्फ अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग अकॉर्डिंगली स्टार्ट स्टडिंग देखना अभी से मैंने टारगेट रखा है तो आज से भी थर्टी डेज बचे हैं मैं कितना अच्छा स्कोर कर सकता हूं सो गेट सीरियस जो अभी तक सीरियस नहीं हुए थे वो अभी भी सीरियस हो जाओ यू कैन क्रैक इट गाइस यू कैन क्रैक इट ठीक है ओके okay. ओके गाइस सो लेट्स गेट स्टार्टेड यस सर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है सोनल ओके okay, सोनल सो यू हैव फाइनली टेकन द सब्सक्रिप्शन दैट्स ग्रेट दैट्स अमेजिंग ओके तो चलिए बच्चों कल की कहानी की शुरुआत करते हैं आर यू रेडी गाइस कल का एपिसोड जो हम लोगों ने शुरू किया था आज उसकी कहानी आगे बढ़ने वाली है हमारे उदित की कहानी और देवांशु की कहानी सिर्फ और सिर्फ अखिलेश डागा की जुबानी राइट सो आर यू रेडी फास्ट बहुत ही मजा आने वाला है बहुत ही मजा आने वाला है जेठा लाल इस पिक्चर में आया था और जेठा लाल ने उन्हें समझाया था कि जेठा भाई ने कहा था एलएलपी भी अच्छा है प्राइवेट कंपनी भी अच्छा है एंड पब्लिक कंपनी भी अच्छा है तो अभी देखते कहानी में आगे होता क्या है लेट्स बिगेन लेकिन बच्चों जब कोई भी जब कोई भी कोई भी एपिसोड शुरू होता है तो उसका एक फास्ट रिकैप तुम्हें होता है जो भी नए लोग देखते हैं, उनको रिकैप में सब कुछ समझ में आ जाएगा एक रिकैप हमेशा होता है सो लेट्स 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 बिगेन विद रिकैप आर यू रेडी गाइज ये कहानी है हमारे दो दोस्तों की दो बेस्ट फ्रेंड्स की कौन है ये दो दोस्त है कथा संग्राम की ये कहानी किसकी है बच्चों ये कहानी उदित रो की है और ये कहानी उसके फ्रेंड उसके फ्रेंड किसकी देवानशु की है सो लेट्स बिगेन लेट्स बिगेन लेट्स हैव सम जोश गाइस गाइस लाइक like कर देना इस वीडियो को फटाफट फड़ से एंड लेट्स बिगिन विद रिकैप लेट्स बिगिन विद द रिकैप आर यू गेटिंग दिस हमारी कहानी के पात्र थे उदित्रो उदित्रो ने सोचा कि चलो यार मैं बहुत ही बिजनेस माइंडेड हूं तो व्हाई नॉट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यू बिजनेस लेट्स गेट स्टार्टेड विद न्यू बिजनेस एंड डेफिनेटली उदित रोह ने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया उदित रोह बहुत ही खूब बिजनेस करता था बहुत ही अच्छा आइडिया था एंड उदित रोह पुणे का रहवासी था तो इस पुणे के रहवासी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और ये छोटा सा बिजनेस कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला इसने अपनी बिजनेस को इतना बड़ा किया इतना बड़ा किया कि उसने अपने सपने भी बड़े कर दिए उसने उसने सातारा में एक ब्रांच खोल दिया मुंबई में एक ब्रांच खोल दिया लेकिन दोनों ब्रांच एक साथ खोलने के कुछ कारणवर्स इसको कहीं ना कहीं पे समस्या आने लगी अपने बिजनेस को हैंडल करने में क्योंकि इसके पास सिर्फ मैनेजर्स थे और वो मैनेजर्स चोर निकले चोर राइट रेवेन्यू लीकेज होने लगा बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी ही वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस कोर बिजनेस ही वाज मोर फोकस्ड ऑन दी कंप्लाएंसेस बट कंप्लाएंसेस को आते नहीं थे ही वाज वेरी वेरी टेंस जो प्रॉफिट कमाया था वो कम हो रहा था एंड नाउ ही वांटेड टू कंट्रोल द सिचुएशन देयरफॉर उसको याद आई थी एक 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 कंधे की जहां पर वो रोया करता था स्कूल में और वो था उसका फ्रेंड देवांशू वो था उसका फ्रेंड देवांशु और बच्चों यहां पर हुआ क्या देवांशु की एंट्री हुई और देवांशु पिक्चर में आया और रुक गया और रोने लग गया बच्चों किसके पास देवांशु के पास बहुत रोया बहुत रोया लेकिन देवांशु ने बोला कि काम क्या है बता जल्दी मुझे पता है तेरी रोने की आदत कभी जाएगी नहीं व्हाट इज द प्रॉब्लम यू लेट मी नो दैट तो फिर 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 उदित्रो ने कहा उदित्रो ने कहा कि सर बिजनेस कौन सा है बिजनेस तो तुम्हें बता दो बिजनेस कौन सा है <laughs> रुकिए बिजनेस को हम लोग देखेंगे आगे रुको एक सेकंड रुको तो देखना बच्चों यहां पर हुआ ऐसे इस कहानी में उदित्रो ने अपनी समस्या को बताया और उदित्रो ने देवांशु को कह दिया और देवांशु ने कहा कि डोंट वरी उदित्रो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा इस बिजनेस में तुम्हारी आइडिया बहुत अच्छी है और मुझे तुमसे बचपन से तुझे भरोसा था कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा लेकिन मुझे ये भी पता था कि तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी बिकॉज तू हमेशा रोतलू था स्कूल से ही और तूने तुझे आज भी मेरी जरूरत पड़ गई डोंट वरी हम लोग रॉक कर देंगे साथ में बिजनेस करेंगे चल पार्टनरशिप करते हैं और वो भी पैसे लेके आ गया पार्टनरशिप फर्म में वो कंप्लायंसेस को कर रहा था बहुत ही टेक्नोलॉजी से भी था उसने इस लॉस मेकिंग वाले सारे के सारे वेंचर्स को फिर से प्रॉफिट में कर दिया सातारा की ब्रांच हिट हो गई मुंबई की ब्रांच हिट हो गई और देवांशु एकदम एकदम खुश था देवांशु एकदम खुश था देवांशु ने बोला कि कंप्लायंस भी अच्छे से चल रहे टेक्स से भी हो रहा है सो so, यहां पर मुझे एक चीज पता चलती है कि पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है पार्टनरशिप रिटर्न भी हो सकती है पार्टनरशिप में बच्चों हम लोग को रिसोर्सेज ज्यादा मिलते हैं पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली शेयर होते हैं लेकिन एक चीज जो एक चीज जो उदित को पता नहीं थी वो थी कि पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लॉसेस भी होते हैं अनलिमिटेड अलाइबिलिटी भी होती है और बच्चों यहां पर हुआ क्या यस yes. देखना बच्चों यहां पर हुआ क्या आगे आगे की कहानी में कुछ आया ट्विस्ट देवांशु को बहुत बड़ा बनना था क्योंकि देवांशु ने हमेशा से एक लाइफ देखी थी कौन सी लाइफ लिव लाइफ किंग साइज तो देवांशु को इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते देखकर देवांशु ने अपने पंख को बहुत ज्यादा जल्दी उड़ाना चाहा और उसने तीन, तीन 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 ब्रांचेस को खोलने की उसने सोच ली दिल्ली में एक ब्रांच यूपी में एक ब्रांच और राजस्थान में एक ब्रांच और दिल्ली का वो रहवासी था इसलिए उसने दिल्ली में बहुत अच्छे से बिजनेस को संभाल लिया बट कहीं ना कहीं पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटी पे फोकस कर रहा था क्योंकि वो इमोशनली अटैच था दिल्ली से उसने यूपी के ब्रांच पे ध्यान नहीं दिया राजस्थान की ब्रांच पर ध्यान नहीं दिया पचास लाख का लोन लेके बैठा था नाउ उदो सेल्स वेर डाउन प्रॉफिट फिर से राइट फिर से, right? उदित्रो रोने लग गया फिर से तो बच्चों यहां पर हुआ क्या यहां पर उदित्रो ने हाथ खड़े कर दिए और उदित्रो बोला कि मैं लॉसेस को बेर नहीं करूंगा तू तेरा देख तू तू तेरा देख देख मैं लॉस को बेर नहीं फिर से रोने लग गया लेकिन 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 वेरी स्मार्ट। ने उसको बुक खोल के बता दिया ये पढ़ लो क्या होता है देख एक बार ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनरशिप फर्म में तू मुझे सिखामत प्रॉफिट हो रहे थे तब तक तो बहुत खुश था तू उदितो अभी क्या हुआ तुझे अभी क्या हुआ लॉसेस इक्वली शेयर हो गए लॉसेस इक्वली शेयर हो गए ठीक है अच्छा तो ये बिजनेस चॉकलेट्स का था ठीक है चॉकलेट्स का था तो हुआ ऐसे हुआ ऐसे इस कहानी में इस कहानी में यहां पर लॉसेस बहुत ही इंक्रीज हो गए थे एंड नाउ इट वाज इट वाज द टाइम कि जहां पर दो दोस्तों में दरार पड़ गई फिर से ये दो दू दोस्त बिछड़ने वाले थे क्योंकि इनका लॉस हो गया था लेकिन आया उसमें एक नया एंट्री एंड दैट वाज जेटा भाई जेठा भाई की एंट्री बच्चों यहां पर हुई थी देखना बच्चों यहां पर देखना बच्चों यहां पर जेठा भाई ने कहा था जेटा भाई ने कहा था कि उदित्रो एंड देवांशु उदित्रो एंड देवांशु यू हैव टू यू हैव टू नो दी बिजनेस टाइप्स अगर तुम्हें पता ही था कि जब यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो तुमने

जेठालाल केम एज एन एडवाइजर जेठालाल केम एज अ पर्सन जिसने इन दोनों के बीच की समस्या को दूर किया इन दोनों के मिसकम्युनिकेशंस को दूर किया इन दोनों के झगड़े को भी इसने दूर कर दिया और तभी बच्चों यहां पर तभी बच्चों यहां पर इनको फिर से जेठालाल ने कहा कि मैं तुम्हें बचपन से देखते आ रहा हूं कि तुम लोग बहुत ही अच्छे बिजनेस सेंस है तुम दोनों की बहुत ही अच्छे से जमती है So, तुम लोग बिजनेस करो लेकिन इस बार थोड़ा सा सोच समझ कर बिजनेस करना किसी चीज की कोई घाई मत करना और 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 एक चीज याद रखना कि एलएलपी में बिजनेस शुरू कर दो एलएलपी में जो भी सारी खामियां एक पार्टनरशिप फॉर्म में थी वो एलएलपी में नहीं है एलएलपी इज अ वेरी गुड टाइप ऑफ बिजनेस जहां पर से तुम अच्छे से बिजनेस तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो येस एवरी समझ में आ रहा है कुछ एवरी वन शैल मी फास्ट गाइज कम ऑन तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि जेटालाल केम एज अ भगवान इनके लाइफ में और इन्होंने बच्चों शुरू कर दिया एल एल पी का बिजनेस ना एकदम कॉरपोरेट तरीके से बिजनेस करने लग गए बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस करने लग गए कंप्लायंसेस की समझ आ गई टाइम टू टाइम कंप्लायसेस हो रहे थे एवरी थिंग वॉज अगेन गोइंग गुड एवरी थिंग वॉज अगेन गोइंग गुड राइट ओके देवानशु सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर ओ माय गॉड आज देवांशु नहीं है यहां पर अब जेटा जी को बबीता जी के सामने अच्छा बनना होगा एहसान चुकाने के लिए सर एक बार कृति के लिए टालिया किया आपको अपनों के जैसे लैंग्वेज है क्या हो रहा है यहां पर तो बच्चों तुम चैटिंग कर रहे हो माय गॉड कृति व्हाट आर यू टॉकिंग ओके सर आप पूरे बुक पढ़ाओगे क्या विभूति अग्रवाल विभूति अग्रवाल पूरी बुक खत्म होने में आ गई है पूरी बुक खत्म होने में आ गई है राइट सो आई गेस यू सीन माय प्रीवियस लेक्चर्स तो मैं कहूंगा कि जुड़ जाइए इस चैनल पे जुड़ जाइए के, के चैनल पे हमारा पोर्सन खत्म होने आ रहा है राइट right? ओके okay. So, देखना बच्चों यहां पर आगे आगे देखना कहानी में हुआ क्या एवरी वन आई यू विथ मी ऑन गाइस इस स्टोरी का यार इतना मैं जी जान लगा कि तुम्हें कॉन्सेप्ट का लूपहोल समझा रहा हूं कि पार्टनरशिप में क्या लूपहोल थे क्यूँ एल एल पी आया सोल प्रोप्राइटर में क्या लूपोल है और क्यों पार्टनरशिप आया इस कहानी के माध्यम से बच्चों मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे इवोल्यूशन हुआ इस ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसे मजाक मजाक में कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं खोल दिए इन्होंने कि प्राइवेट कंपनी बना देते हैं पब्लिक कंपनी बना देते नो देर वॉज अ रीजन बिहाइंड दैट और इसलिए ये कहानी मैं समझा रहा हूं तुम्हें गेटिंग एवरी मजाक मत करना इसका ठीक है ओके ओके समझ रहा है तुम्हें कुछ ओके okay, देखना है बच्चों अभी यहां पर एल एल पी सो एल एल पी वॉज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर सब कुछ कंप्लायसेस के साथ साथ लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ साथ एक आर्टिफिशियल पर्सन के साथ साथ एवरीथिंग वॉज गोइंग इन अ वेरी वेरी गुड वे बट अभी इनका बिजनेस हिट हो गया अभी इन्होंने ठोकर खा ली थी वर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड दे थॉट दैट कि यार हम लोगों को ना हमारी ऐसे एल जो है हमें कंपनी चाहिए हमें डायरेक्टर बनना है कंपनी का हमें बड़ा बनना है अभी हम लोग एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और इन्होंने सोच लिया कि वाई नॉट यार वाई नॉट लेट्स हैव अ कंपनी यार बोलने के लिए कितना अच्छा लगता है कि यार मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एलएलपी बोलने के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप थोड़ा बोलने के लिए यार ठीक नहीं लगता है तो हमें बड़ा बनना है अभी हमारा टर्न ओवर इंक्रीज हो रहा है हमारे ब्रांचेस इंक्रीज हो रहे हैं वी शुड हैव अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एंड ने, ने सोचा कि वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट लेट्स हैव अ प्राइवेट कंपनी लेकिन जब ये प्राइवेट कंपनी में चले गए जब इन्होंने सोचा कि यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं

हम लोग जो सपने सोचते हैं उस सपने को हमें हासिल करने की बहुत 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 तह दिल से इच्छा होती है और बच्चों अगेन कहानी में अभी उदित्रो उदित्रो का एक सपना था उदित्रो का एक सपना था कि मेरे शेयर्स मेरे मेरी कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए मेरी कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए वो बाजार मूवी देखकर आ गया था राइट वो बाजार मूवी देखकर आ गया था और उसे भी लगता था कि मेरी कंपनी का नाम मुझे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर देखना है मेरी कंपनी इतनी बड़ी होनी चाहिए और इसने फिर से सपने सजा लिए थे इस बार उदित रो ने और उदित रो को इस बार भरोसा भी था कि यस वी कैन डू इट बिकॉज एवरीथिंग वाज़ वॉज गोइंग वेरी फाइन इन बिजनेस ऑफ दिस टू दोस्तों के बीच में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बहुत अच्छे से चलाई इन्होंने दो तीन साल हो गए प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई राइट right? और देखना यस yes? और देखना बच्चों यहां पर यहां पर इन्होंने सोचा कि स्टॉक एक्सचेंज पे मेरी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए बहुत सारे कंप्लायसेस थे कि तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए तुम्हें हर साल हर तीन महीने में बार 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 तुम्हें पब्लिकली तुम्हारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट देना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ होने चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए एवरीथिंग वाज इंक्रीजिंग एंड दिस टू पीपल वर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दैट थिंग टू टेक ऑन दे वर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन दैट बिजनेस राइट यस समझ में आया तो बच्चों यहां पर देखना यहां पर देखना अब ये इनके सपने को साकार करने जा रहे थे लेकिन ये सपने साकार करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस थे लेकिन यस गाइस एक बार अगर नाम हो जाए कंपनी का और सब कुछ सही चले तो ये कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली थी अभी और इसलिए इन्होंने सोचा लेट्स गो पब्लिक लेट्स गो पब्लिक सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन्होंने बना दी राइट right? उदित्रो एंड देवांशु लिमिटेड उदित्रो एंड देवांशु सो गाइस यहां पर दिस कंपनी वाज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और बम पर लिस्टिंग हो गई थी कंपनी की और बच्चों दिस कंपनी वाज डूइंग वेरी वेरी एब्सोल्युटली फाइन तुम्हें यहां पर वो वर्ड ढूंढने जो मैं यूज कर रहा था आई वॉज सेल एल पी में इतना ज्यादा कुछ नहीं था जो प्राइवेट कंपनी में था लेकिन प्राइवेट कंपनी में हम लोग स्टॉक को लिस्ट नहीं कर सकते थे लेकिन पब्लिक कंपनी में वो कर सकते थे मैंने कहा लेकिन यहां पर हर क्वार्टरली तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देना पड़ेगा तुम्हें ऑडिट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे बिकॉज सम ऑफ दम आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी और अगर उसका कंप्लायसेज अच्छे से नहीं रहेगा उनको पता नहीं होगा तो वो इन्वेस्ट क्यों करेगी मेरी कंपनी में सो so, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है वैसे ही एक जब कंपनी बड़ी होती है तो कंप्लायंसेस भी उतने ही इंक्रीज होने वाले है एंड वी आर गोइंग टू सी नाउ की क्या क्या कंप्लायसेस होते हैं कितने मेंबर्स चाहिए कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम डायरेक्टर्स

क्योंकि वो अपनी बैलेंस शीट को पब्लिक करता है क्वार्टरली रिजल्ट्स वो पब्लिक को न्यूज़पेपर में भी छापता है तो मुझे अगर एक सप्लायर को ढूंढना है कि मैं किससे परचेस करूं एक सोल प्रोप्राइटर से या एक पब्लिक कंपनी से आई वुड डेफिनेटली विश दैट कि पब्लिक कंपनी से करूँ क्योंकि ये इनको सिस्टम पता है इनको ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती वो पता है ये टाइम टू टाइम डिलीवर करेंगे बट शायद ये सोल प्रोप्राइटर नहीं कर पाएगा इसको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर तो सब कुछ गया तो डेफिनेटली गाइस क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोटे ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कहां से कहां पर गए हैं गेटिंग एवरी वन यस गेटिंग एवरी वन पूछ लो सर से क्या हुआ बच्चों क्या हुआ क्या ओके <laughs> ओके okay, okay. सर सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड इज आल्सो फ्रॉम माय सिटी होशियारपुर होशियारपुर ओके सो वॉट इज डिफंक्स डिफंक् कंपनी का तुम्हें पूरा स्पष्टीकरण मिलेगा तुम्हारे लॉ के लेक्चर में राइट ओके सो देखना बचो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं खमौन बचा लोग या क्या कर क्या रहे हो सेंचुरी मार दो लाइक्स की एक सौ लोग देख रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ 80 लाइक्स कहां का न्याय है ये बच्चों कहां का न्याय है राइट कम ऑन गाइस हम लोगों ने स्टोरी देख ली है अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा एक फॉर्मेलिटी बची है सो आर यू रेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें मार्क करवा के देने वाला हूं वर्ड जो तुम्हें एमसीक्यू में आ सकते हैं सो so खमान लेट्स बिगेन विद सोल प्रोप्राइटर और धीरे 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 कर 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 हम लोग ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आर यू विद मी गाइज आई नीड योर अटेंशन आई नीड योर कॉपरेशन कमॉन एवरी वन ओवर योर राइट योर राइट नाउ ऑन द स्क्रीन देखना यहां पर सर आप स्ट्रिक्ट जो जाओ स्ट्रिक हो जाओ सब छुप छाप हो जाना है सर आप मेरे भैया हो या जेठिया के मैं बच्चों तुम्हारा सबका अखी भैया हो राइट ओके ठीक है एवरी वन प्लीज पे अटेंशन ऑन कमॉन 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 गाइज एवरी वन पे अटेंशन राइट राइट कम ऑन गाइज बिकॉज नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड अभी तो मैंने बच्चों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तुम्हें चलो अभी तुम्हारे काम की बात आ गई राइट ना तुम्हें एमसीक्यू तो देखने होते ना देखो अभी यहां पर वेन business मेक्स one's चॉइस टू स्टार्ट the वंस ओन टू बी sole प्रोपराइटर इमर्जिस सोल प्रोपराइटरशिप देख रहे हैं बच्चों सबसे पहला इट इज अजीएस्ट एंड द अर्एस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इजिएस्ट एंड earliest है ठीक है वन में ओपन अ डेली स्टोर in a room of a corner of one house or he may just set up a shop on the pavement on the weekly bazaars or he may open a machine shop in the backyard or a thinly habituated lane of a not so distinct locality this form of business organization is much appreciated in the entrepreneurship literature and the sole proprietor is regarded as an economic hero sole proprietor is regarded as an economic hero

कि अगर वो ऑर्केस्ट्रा में ऐसे तीन चार पांच छह लोग एक साथ कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेकिन सोल प्रोप्राइटर में इसका कोई नहीं है कोई नहीं इसका साथ देने वाला ये वन मैन आर्मी है वन मैन आर्मी राइट तुम्हें पता है वो साउथ इंडियन मूवीज में होता है तुम्हें पता है वो साउथ इंडियन मूवीज में होता है ये सो सो लोग होते हैं वहां पर सामने और यहां पर ये हीरो एक ही होता है बच्चों एक ही हीरो होता है और वो सारे हंड्रेड ऑफ दी लोगों को वो क्या करता है मार गिराता है नीचे तो वो कौन है बच्चों साउथ इंडियन मूवी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला ही सब काम करता है अकेला ही एकदम 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 इज अलोन एंड इज रेडी टू फाइट विथ एवरी वन ठीक है समझ में आया तो so देखना बच्चों यहां पर देखना बच्चों यहां पर समझिए इसको खमान गाइस द बिजनेस अंडरटेकन बी सच अ स्मॉल स्केल बिजनेस इट मे बी हार्डली डिस्टिंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यस ओके और देखना आगे बच्चों ये माइक्रो बिजनेस हो सकता है स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है बच्चों दिस बिजनेस इज वेरी वेरी अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड रहेगा तो भी चलता है तो तुम्हें पूछेंगे कि इसको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है कि नहीं होता है नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है ये इतना होता है ये प्रॉपरली अनऑर्गेनाइज नहीं होता है कोई बुक्स मेंटेन करते कोई बुक को मेंटेन नहीं करते अरे छोटी मोटी जो दुकान होती है ना आस पास हमारे जिसमें हम लोग जाते कुछ परचेस करते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं वो सोल प्रोफ का एग्जाम्पल है सो so, यहां पर यहां पर देखना more so the local retailers and the street vendors are so well integrated with the communities that these enjoy the people's trust and provides the personalized services मुझे पता है कि वो हमारे जो वहां पर हम लोग वो कुछ सामान खरीदते हैं ना ग्रोसरी वोसरी तो एक वो रिश्ता बन जाता है उधार पर भी ले आते हैं हर मंथ टू मंथ सेटलमेंट करते हैं सो वी हैव द ट्रस्ट ऑन दैट दुकानदार राइट वो जो दुकानदार है उस पर ट्रस्ट होता है पर्सनलाइज सर्विस मिलती है घर पे डिलीवरी भी देता है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की क्रेडिट पे भी देता है वो राइट उधार पर सो व्हाट इज हैपनिंग लेकिन ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज होता है राइट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं होता है कि इनवर्ड आउटवर्ड एंट्री होनी चाहिए बुक में फिर क्या होगा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सोल प्रोपराइटर में इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इवन दो इंडिविजुअली दिस माइट अपर ऑफ नॉट मच इम्पैक्ट यस कलेक्टिवली छोटे छोटे बहुत सारे लोग अगर मैं कलेक्टिवली देखू तो ये ट्रेमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हमारी नेशन की इकोनॉमी को क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो है वो छोटे मोटे दुकानदार है और वो दुकानदार के अगर मैं क्यूमुलेटिव पकड़ू तो ये लोग भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी इस इकोनॉमी को राइट गेटिंग एवरी वन

लेकिन ये छोटू सा बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग हैं और एग्रीगेट में देखता हूं तो यार ये लोग कितना अमेजिंग बिजनेस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को कितना 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 ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पर एम्प्लॉयमेंट किसी को मिल रही है छोटे मोटे लोगों को रोजगार मिल रहा है राइट सो डेफिनेटली गाइस यू कैन चेक इट आउट नाउ यू कैन चेक इट आउट नाउ आगे ऑन द फ्लिप साइड द प्रोडक्ट फ्रॉम सच एंटरप्राइजेस आर ऑफन डेरोगेटली कॉल्ड लोकल लोकल बाजार से लेके आओ वो फटाफट से राइट right? लोकल लेकिन हम लोगों को बच्चों अभी आदत हो गई है मॉल्स में जाने की तो मॉल्स में क्या है सिस्टम इन प्लेस है बारकोडिंग होता है बार्गेनिंग नहीं होता है क्रेडिट नहीं होता है व्हाट इज हैपनिंग तो वो है या अनऑर्गेनाइज है राइट right? या अनऑर्गेनाइज है तो बच्चों यहां पर द एंटरप्राइज है हायर एंड फायर पॉलिसी लैक ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर मेजर्स ऑफ लैक ऑफ सिस्टम टू द इफेक्टिवली डील विदायटी सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न फेट ऑफ एन एंटरप्राइज इज लिंक वेलबींग द ओनर गयो तो बिजनेस भी गयो ओनर गयो तो बिजनेस भी गयो तो यहाँ पर सोल प्रोपराइटर में वो हमेशा एक मुझे क्या रहता है एक मुझे हमेशा हमेशा एक डर होता है इसीलिए मैं हमेशा मेरे सप्लायर्स जो है वो बड़े बड़े सप्लायर्स को देखता हूँ मतलब कोई भी जिसको लार्ज क्वांटिटी में लेना है वो हमेशा देखता है क्रेडिबिलिटी अरे यार ये ओनर चले गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा राइट सो इसीलिए दिस एडवर्सली अफेक्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विस ऑफ सच एंटरप्राइजेस एज अ सप्लायर्स टू द लार्ज एंड मल्टीनेशनल एंटरप्राइज तो बच्चों इसलिए टाटा अगर टाटा को ऑटोमोबाइल्स लेने हैं स्पेयर पार्ट तो वो टाटा ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट मुझसे भी तो ले सकता है मैं भी प्रोवाइड करता हूं लेकिन मेरा सोल प्रोपरेटरशिप बिजनेस है और वो दूसरे का ना एक बड़ा कंपनी था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो टाटा ने मुझसे भी कोट लिया और उससे भी कोट लिया मेरा भी बिजनेस बहुत अच्छा है उस प्राइवेट वाले का भी बहुत अच्छा है लेकिन वो ऑर्डर प्राइवेट वाले को मिली क्योंकि प्राइवेट वाला जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करता है और मेरा बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड था मेरा बिजनेस अनऑर्गेनाइज था और टाटा को डर लगता है कि मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरे आगे पीछे कोई है जो सप्लाई कर सकता है टाटा को तो टाटा ने मुझसे नहीं लिया तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां पर द कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विस ऑफ सच एंटरप्राइजेस एज सप्लाई टू द लार्ज एंड मल्टीनेशनल ये एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है ये एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है ठीक है समझ में आया आर यू गेटिंग इट्स डेफिनेटली so गाइज इसके अपने अपने कुछ इंपैक्ट भी है जो गलत हो सकते इकोनॉमी पर राइट right? जो सॉरी सोल प्रोप्राइटर के लिए अच्छा नहीं है द फॉरगोइंग्राफ ब्रीफली इवेल्यूएट द रोल ऑफ अ सोल प्रोपराइटर इन इकोनॉमी फ्रॉम द बीसी के पर्सपेक्टिव दिस इज गोइंग टू बी अस हॉर इट वुड बी मोर यूजफुल टू एक्समाइन दिस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोट देखना बच्चों यहां पर मैं तुम्हें इस टेबल के द्वारा बहुत सारी चीजें समझाना चाहता हूं तुम्हें एग्जाम में आएगा तुम्हें एग्जाम में आएगा कि सोल प्रोपराइटर का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है लेकिन नहीं सोल प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है एमसीक्यू नंबर वन एमसीक्यू नंबर वन सोल प्रोपराइटर जो है ये रिस्क को शेयर करता है दूसरों के साथ नो ही इज द सोल 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 बियर ऑफ द रिस्क जितना भी प्रॉफिट होगा खुद को होगा जितना भी लॉस होगा उसी को होगा यस yes. यस yes, समझ में आया एवरीवन, एवरीवन, लिली साइन, शाइन जेठालाल कृति ऋषि सिंह क्या कर क्या रहे हो बच्चों चैटिंग कर रहे हो राहुल यस yes. ध्यान देना बच्चा पार्टी ध्यान देना सोल बियर तो यही खुद लॉसेस भी बेर करेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी होगी और बच्चों देखना विजिबिलिटी ऑफ द ओनर एंड पर्सनलाइज सर्विसेज द पर्सनल रैपो होता है यहां पर डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ एक रिलायंस धीरू भाई अंबानी धीरू भाई अंबानी मुकेश भाई हमारे मुकेश भाई के साथ थोड़ी ना मेरा कनेक्शन होता है जब मैं डायरेक्टली बात होती है जब मैं कुछ खरीदने जाता हूं तो रिलायंस फ्रेश में रिलायंस फुटवेयर में गया वहां से मैंने कुछ खरीदा तो थो, थोड़ी ना मैं डायरेक्टली मुकेश भाई से मिलता हूं लेकिन ये पर्सनल स्टोर्स में मेरा पर्सनल रैपो होता है राइट मेरा पर्सनलाइज सर्विसेज मिलती है मुझे सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल पैसा भी खुद को ही लगाना पड़ता है तो कहीं ना कहीं पे लिमिटेशन है क्योंकि मेरे पास कितना पैसा रहेगा ज्यादा से ज्यादा पांच लाख दस लाख बीस लाख पचास लाख एक करोड़ लेकिन मुझे बिजनेस को और बढ़ाना है तो यार मुझे कोई ना कोई लगेगा इस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए तो यहां पर अकेला बंदा होता है तो इसलिए यहां पर इसको लिमिटेशन आ जाता है कैपिटल में तो तुम्हें एमसी आएगा तुम्हें एमसी आएगा, आएगा राइट ये गेटिंग एवरी ओके ओके सुधीखना आप बच्चों आगे फेट एज अ गोइंग कंसर्न फेट एज अ गोइंग कंसर्न बच्चों यहां पर सोल प्रोपराइटर एंटिटी इज गोइंग कंसर्न स्टेटस डिपेंड ऑन द ओनर की पर्सनल हेल्थ पर और उसके लाइफ स्पैन पर बच्चों आजकल किसी को कुछ हो हो गया तो बिजनेस भी गयो एंड आफ्टर द डेथ अपॉन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द हायर्स पता नहीं ना कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके फैमिली वाले इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे या फिर सब कुछ बेच कर डिरेक्टली उसका पैसा ले लेंगे हमें नहीं पता ना हमें नहीं पता तो ये गोइंग कंसर्न जो है ये बहुत ही बहुत ही पता नहीं क्या है कंपनी चलेगी नहीं चलेगी किसी आगे वाले को संभालते आएगी नहीं आएगी तो यहां पर ये एक फेट एज अ गोइंग कंसर्न तो ये लिमिटेशन है ये एक लिमिटेशन है सोल प्रोपराइटर में गेटिंग एवरी वन और बच्चों यहां पर सक्सेशन ऑफ द बिजनेस किसको होता है सक्सेशन ऑफ द बिजनेस मतलब अगर सोल प्रोपराइटर को कुछ हो गया तो उसका बिजनेस कौन संभालेगा डेफिनेटली गाइज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहां पर हो जाएगा एग्जिस्ट उसकी विल के हिसाब से या फिर उसके परिवार वालों को यह बिजनेस को सौंप दिया जाएगा राइट right? इस, इसके इसको सौंप दिया जाएगा गेटिंग एवरी वन यस 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 बताइए मुझे एवरी वन खमोन गाइस मैंने एच यू एफ को अभी समझाया नहीं है और लेकिन हम लोग एच यू एफ को भी समझने वाले हैं हम लोग एच यू एफ को भी समझने वाले हैं तो अभी ये समझ में आ गया तुम्हें किस क्या क्या, क्या क्वेश्चन पूछे ये वाले क्वेश्चन पूछे गए तो तुम्हें क्या करना है ये ऊपर वाले पैराग्राफ को एकदम फास्ट में रीड करना है एकदम एकदम फास्ट में लेकिन जब तुम यहां पर आओगे इस टेबल को अच्छे से रीड करना है क्योंकि इस टेबल में से तुम्हें एमसीक्यू पूछा जाएगा और कहीं ना कहीं पे ये जो यहां पर लिखा है ना वही नीचे टेबल में लिखा है तो एनी टाइम टेबल से तो ज्यादा अच्छे से समझता है कहानी तो हमें पता है उदित रोक और देवांशु की बस कहानी पता है टेबल भी दिया है तो समस्या किस बात की बच्चा लोग हम लोग इस चैप्टर को तोड़ फोड़ कर आएंगे एग्जाम में देखना बच्चों यहां पर मुझे पहले पार्टनरशिप के बारे में बोलना है और उसके बाद में मैं लास्ट में एच यू एफ पे आऊंगा ठीक है लास्ट में मैं एच यू एफ पे आऊंगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करेगे ना डोंट वरी गाइस यस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी करेगा देखना बच्चों यहां पर पार्टनरशिप फॉर्म ये देवांशु और उदित रोका तो so ये पार्टनरशिप में हुआ क्या पार्टनरशिप इंप्लाइज द कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप कॉन्ट्रेक्चुअल को ओनरशिप राइट ऑफ द बिजनेस ऑफ द टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस द बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय सम ऑफ द पार्टनर्स और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट

प्रॉफिट शेयरिंग ये डीड में दिया जाएगा कि कौन कितना कितना यहां पर शेयर कर रहा है अपना अपना राइट right? ये कह रहा है कि सर मेरा गादा इलेक्ट्रॉनिक्स एच यू एफ है ओके okay, देखना बच्चों आगे एग्रीमेंट होगा सो so, एग्रीमेंट है तो डेफिनेटली इट इज वेरी गुड राइट डेफिनेटली इट इज वेरी गुड यहां पर दो और दो से ज्यादा मेंबर्स होने चाहिए डेफिनेटली एग्रीमेंट जो होगा डेफिनेटली हो दो लोग तो मिनिमम चाहिए दो लोग तो मिनिमम चाहिए लेकिन लेकिन यहां पर एक छोटा सा एक चेंज होगा यहां पर तुम्हें इसको तुम्हें करना पड़ेगा कट यहां पर एक्ट के हिसाब से ये पार्टनरशिप के मेंबर्स का लिमिट हो गया है चेंज कोई मुझे बता सकता है ये पार्टनरशिप का लिमिट कितना हो गया है यहां पर बोला गया था टेन परसेंट होने चाहिए मैक्सिमम इन केस ऑफ बैंकिंग फर्म और ट्वेंटी होने चाहिए इन केस ऑफ अदर फर्म्स मुझे इसका लिमिट कोई बता सकता है टेल 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 मी 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 गाइस कितना होगा लिमिट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म तुमने लॉ में ये जरूर पढ़ा होगा तुमने ये लॉ में जरूर पढ़ा होगा यस yes, बताइएगा मुझे बच्चों क्या है ये मैं देखना चाहता हूं हंड्रेड है कोई कह रहा है हंड्रेड यस yes. और कोई कहना चाहेगा और कोई कहना चाहेगा कम ऑन टेल मी यस 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 कोई नहीं आंसर कर रहा है किसी को नहीं बताइए खमोन गाइज खमॉन सो बच्चों यहां पर जो है कोई कह रहा है सर फिफ्टी टू हंड्रेड अरे कुछ भी कुछ भी क्या बोल रहे हो पांच हजार वगैरह राइट एक सेकेंड एक सेकेंड फिफ्टी है फिफ्टी मैक्सिमम बट कैन एक्सटेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मैक्सिमम बट कैन एक्सटेंड टू हंड्रेड यस So, यहां पर तुम लिख सकते हो कि 50 है बट 100 तक हम लोग कर सकते हैं तो ये एक चेंज है तुम्हारे बुक में जो यहां पर तो उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया बट लॉ में रेक्टिफाई कर दिया तो क्या ये मिस्टेक थी हमारे इंस्टीट्यूट की जी हां ये मिस्टेक थी हमारे इंस्टीट्यूट की गेटिंग यस ओके समझ में आया समझ में आया सो so, ये याद रखना ये पूछेगी एग्जाम में तुम्हें ये पूछेंगे तुम्हें एग्जाम में यस, टू हंड्रेड वो कंपनी का लिमिट है। यहां पे पार्टनरशिप का देखना तो पार्टनरशिप का ये समझ में आ गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होता है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो एज पर दी डीड होगा और अगर डीड नहीं दिया है तो इक्वल होगा एज पर दी डीड होगा और डीड अगर नहीं दिया है तो वो इक्वल होगा वो इक्वल होगा।, होगा गेटिंग एवरी वन आर यू गेटिंग दिस बिजनेस ऑब्जेक्ट इज क्वाइट वाइड इज क्वाइट वाइड यस गिरीजा बिल्कुल सही चेंजेस आया था कंपनीज एक्ट में और हमारी कंपनीज एक्ट इन्होंने कब चेंज किया पता है ना तुम्हें बच्चों नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का यह कंपनीज एक्ट इनको अभी पता चला कि अभी चेंज करना है दो हजार तेरह में राइट उन्होंने चेंज करते गए करते गए ओके okay. देखना है आगे पार्टनरशिप कैन नॉट बी फॉर्म फॉर नॉन बिजनेस पर्पज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस हाउ एवर वर्ड बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड एवरी ऑक्यूपेशन एवरी प्रोफेशन तो सर 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 ये प्रोफेशन में भी होता है पार्टनरशिप हाँ तो सर एक सी ए और, और एक सीए क्या ये पार्टनरशिप कर सकते हाँ तो सर क्या एक लॉयर और लॉयर भी पार्टनरशिप कर सकता है हा तो प्रोफेशन में भी अलाउड है जी हां बच्चों प्रोफेशन में भी अलाउड है गेटिंग गेटिंग सो जैसे कि अकाउंटिंग फर्म्स होती है ऑडिटिंग फर्म्स होती है लीगल फर्म्स होती है तो हां बच्चों ये हो सकता है म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल एजेंसी इज द मेरिट क्यों मेरिट है दिस इज दैट इज वन वन फॉर ईच अदर एंड फॉर ऑल एंश्योर्स दैट ऑल द पार्टनर्स वर्क इन कॉमन इंटरेस्ट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म लिमिटेशन क्या है एक पार्टनर ने कुछ गलत काम किया तो वो सबके पार्टनर के लिए गलत हो जाएगा जो मेरिट है वो तुम्हारे लिए डीमेरिट भी हो सकता है जो चीज मेरिट है वो डी मेरिट भी हो सकती है गेटिंग ओके ओके सर आईसीआई भी इंसान है अच्छा <laughs> ठीक है भाई आईसीआई भी इंसान है ठीक है होने दो उनकी भी गलतियां होने दो हम कुछ नहीं बोलेंगे ठीक है ईसीए इज द बॉस एंड सल्यूट द बॉस ठीक है ठीक है ओके ओके ठीक है गेटिंग एवरी वन अनलिमिटेड लाइविलिटी होता है सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड नहीं होता है यहां पर हम लोगों ने देखा था यह ज्वाइंटली भी होता है सेवरेली भी होता है हमने हम हमारी कहानी में देखा था हमने हमारी कहानी में देखा था सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है ये ज्वाइंट भी है और सेवरली भी है एक किसी इंसान ने कुछ गलती की है तो उसकी गलती की सजा सारे पार्टनर्स को भी मिलेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल एजेंसी क्योंकि बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एजेंसी तो म्यूचुअल एजेंसी हो गया ना लिमिटेशन हमारे लिए राइट right? समझ में आ रहा है ये म्यूचुअल एजेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके वजह से यहां पर एंड सेवरली लायबल है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट 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 आई वुड से दैट की डिसएडवांटेज uh, है ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज है राइट ओके ओके सो देखना है बच्चों आगे आगे देखना नो वी विल नॉट सल्यूट वी विल ओनली सल्यूट आर्मी अच्छा ठीक है आगे देखना द फेट एज ओ गोइंग कंसर्न इन गोइंग पार्टनरशिप इन द सेम वे नोटिस ऑफ अंस टू दम एंडिप कम्स टू एन एंड वो एक दिन उदित्रो ने बोल दिया देवानशु यार तू बहुत ज्यादा ना रिस्क लेता है और सच्ची कहू तो तू यही बिजनेस से निकल जा मैं यहाँ पर बिजनेस बहुत ही अच्छे से करना चाहता हूं मैं यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं तू बहुत ज्यादा रिस्क लेता है मुझे नहीं करना तुझसे पार्टनरशिप राइट right? मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ पार्टनरशिप तोड़नी है तो यहाँ पर बच्चों एक नोटिस अगर देता है तो पार्टनरशिप टूट जाएगी इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा राइट right? देखना बच्चों यहाँ पर द तो रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू टू एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म हाव एवर सेवरेंस

ओके okay, गाइस देखना यहां पर मजे कर रहे हैं, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए मजे करवा रहा हूं तुम्हें सो दट तुम्हें अच्छे से समझ में आए राइट ओके <laughs> okay. स्टेट में नाम बनाओ फिर दूसरी स्टेट में यह सुधित बिल्कुल सही कहा तुमने लेकिन ये इसको तो हर जगह पे हर जगह पे बिजनेस करना था देखना बच्चों यहां पर सक्सेशन ऑफ ओनरशिप ये लिमिटेशन है क्योंकि ओनरशिप इज नॉट इजीली ट्रांसफरेबल अ न्यू पार्टनर कैन एडमिटेड ओनली इफ सारे पार्टनर्स यस 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 बोलेंगे तभी हम लोग नया पार्टनर को ऐड कर सकते हैं अदरवाइज नहीं कर सकते हम लोग नए पार्टनर को ऐड, गेटिंग ओके गाइस समझा है <laughs> देखना आगे यस yes. मेरे को बहुत मजा आ रहा है सर एक बार मिलने जरूर है आपकी टीम से सर जरूर जरूर जरूर, जरूर मिलेंगे राइट जरूर ये दिन आएगा मैं भी तुम लोगों से मिलना चाहूंगा डेफिनेटली जो ये रेगुलर लोगे जिनके मुझे नाम एकदम ऐसे पता हो गए हैं ये हमारा जेठिया राइट जेठिया जो क्लास में करता है मस्ती राइट एंड मोर 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 सच पीपल जो एकदम रेगुलर है राइट मैं नाम नहीं ले सकता हूं लेकिन हाँ मुझे बहुत सारे नाम ऑलरेडी पता है क्योंकि मैं किसी का नाम लूंगा और किसी का नहीं लूंगा तो तुम्हें तो फिर से बुरा लगेगा सर मेरा नाम तो लिया ही नहीं सर आपने राइट right? <laughs> तो यस yes, गाइस पता नहीं लेकिन जब भी जहां पर भी जाना होगा डेफिनेटली आई विल शेयर माय स्टोरी और पता नहीं वो पांच मिनट के लिए भी मिल गए या फिर वो चाय भी साथ में पी ली तो भी आई वुड फील वेरी वेरी गुड आई विल फील रियली वेरी गुड इफ आई इफ आई मीट यू ऑल गाइस बिकॉज इट फील्स वेरी ग्रेट दैट एक ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट लाइक कि रोज कोई नए स्टूडेंट्स आ रहे नए तो आ ही रहे हैं बट पुराने वाले कितने रोज रोज हमारे साथ मिल रहे हैं एंड इट रियली फील्स गुड मतलब मुझे पहले लगा था कि यार ऑनलाइन टीचिंग में एक कनेक्ट नहीं रहेगा लेकिन नाव वी आर हैविंग दैट कनेक्ट एज वेल नाव वी आर हैविंग दैट कनेक्ट एज वेल ये जो आंसर देते हो ये जो स्थिति सबके सबको सताती रहती क्लास में कमेंट कर कर गिरिजा इज गिविंग द आंसर एकदम पहले कोई श्रुति एक कोट uh, लिखते हैं यू आर सपोर्टिंग अदर राइट सो ये सारी चीजें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे कनेक्शन बन गया तुम लोगों के साथ डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड थिंग राइट यस बनारस आना तो बताना सर डेफिनेटली यार सर मैं भी रेगुलर हूं बट मैसेज ज्यादा नहीं करता हूं आपकी फर्स्ट लेक्चर से हुँ. अच्छा अननोन अननोन ओके ओके सर मैंने चाय नहीं पी थी कॉफी पीना है तो बोलो देखो 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 इस तरीके से कनेक्शन बन गया है सारे स्टूडेंट के साथ राइट तो यस सर आपको कोलकाता आओ आपको मैं चाय देंगे ओके okay. जेडब्ल्यू में वाह 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 जेडब्ल्यू <laughs> में लेके जाओगे और बोलोगे कि सर अभी बिल भर देना आप चलो टाटा बाय बाय सर जेठालाल ऐसे नहीं करना ठीक है सर मैं भी याद हूं यस yes, बच्चों बहुत सारे नाम याद है मुझे ऑलरेडी बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी इतने सारे नहीं बोल सकता हूं ना यहां पर आई नो बहुत सारे बहुत सारे नाम याद है मुझे एंड यस गाइस डेफिनेटली डेफिनेटली यस श्रीति सर तुमको डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोल रहे हैं येस वैष्णवी कृति एवरी वन ओव हर येस गाइस एंड मुझे अभी डर लग रहा है पता है कौन सा डर एक डर है कि अक्टूबर खत्म हो जाएगा और फिर नए स्टूडेंट्स कितने जुड़ेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो एनीथिंग ये इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारे मैसेजेस पढ़ने की आदत हो गई है एंड अगेन इट इज गोइंग टू बी ए न्यू जर्नी एंड आई एम फीलिंग लाइक की एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड वेरी वेरी सुन मैं तो नवंबर का सोच सोच के तुमसे ज्यादा कभी कभी मुझे डर लगता है राइट right? <laughs> आपका एड्रेस दे तो हम खुद आ जाएंगे राइट दिस इज गुड सर आपका हो तो मुझे बता दो हम ही वही आ जाएंगे डेफिनेटली गाइज डेफिनेटली मे बी मे बी मे बी वी डोंट नो दैट कुछ प्लान हो सके तो डेफिनेटली वी कैन मेट जो भी पॉसिबल होगा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन ऑफ फर्स्ट टू मेट बट यस डेफिनेटली कभी ना कभी तो हम लोग मिल ही सकते हैं राइट ओके ओके सो यस गाइस इमोशनल हो गए आज इमोशनल हो गए राइट सर मैं तो आता हूं टाइम पास करने <laughs> यस yes, ये yes, जेठिया हमारी हर क्लास में आता है पांच पांच दो दो मिनट मिलकर जाता है हाई बाय कर, कर जाता है राइट ओके 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 गुड मॉर्निंग इंद्रेश सर इंद्रेश सर आ गए हैं यहां पर इंद्रेश सर कहां पे मुझे तो नहीं दिख रहे हैं यस yes, इंद्रेश सर इज हियर इंद्रेश सर इज हियर गुड मॉर्निंग सर जी कैसे हो आप एंड ये वेरी सुन बहुत ही अच्छे से चल रहा है हमारी क्लासेस वी आर एंजॉइंग स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं एंड डेफिनेटली हम लोग इस अटैम्प्ट में बहुत सारे पासिंग नंबर लेकर आएंगे हम ये उम्मीद करते हैं राइट जूम कॉल करते एक दिन सर जरूर करेंगे जरूर करेंगे राइट जरूर करेंगे ओके सर श्री डी साई बाबा के दर्शन लेने आते हैं हम बस फिर बच्चों बहुत ही अमेजिंग है ये राइट ओके ओके सो फाइन गाइस फाइन गाइस आज के दिन आज के दिन सर इंद्रेश सर चोरी चुपके आते हैं यस ओके सो यस गाइस यस गाइस वी विल वेट नाउ टुडे और हम लोग हम लोग करेंगे इस चैप्टर का दी एंड हम लोग करेंगे इस चैप्टर का दी एंड ऑन मंडे और रिविजन भी करेंगे इस चैप्टर की राइट सो यस गाइस आज हम लोग रुकते हैं एंड यस 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 हम लोग मिलेंगे मिलेंगे कल मिलेंगे हम लोग कल संडे है कल मैं सुबह तुमसे मिल रहा हूं डोंट वर्गेट आठ बजे मार्केट्स का रिविजन होने वाला है कंटिन्यूसली डेढ़ घंटे तक डेढ़ घंटे तक वन एंड हाफ आवर ऑन द स्पेशल क्लास भूलिएगा मत सारे दोस्तों को बता देना मार्केट से डर लगता है तो आ जाओ बहुत ही सुपरफास्ट रिविजन करेगे बहुत मजा आएगा बी दूमोरो आप पुणे में रहते हो ना जी हाँ लेकिन मैं अभी सिर्डी में, में मेरे होम टाउन में हूं बट येस yes, मैं जनरली पुणे में रहता हूं ठीक है सो यस गाइस टूमोरो मार्केट का रिविजन है भूलिएगा मत आठ बजे मॉर्निंग में सो आई एम गोइंग टू मीट यू देर प्लीज गाइज बी देर एंड लेट्स का डिटेल्स ग्यारह अक्टूबर से एमसीक्यू का शुरू हो रहा है रिग्रेसिव प्रैक्टिस डिस्कशन भी होगा डेफिनेटली गाइज अगर लेना चाहते हो तो वन मंथ का भी ले सकते हो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तुम्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं एवरीथिंग सब कुछ एक्सेस हो जाएगा तुम्हें यहां पर एंड गाइस कोड मत भूलना दैट इज जी ए वन जीरो यू कैन यूज दिस कोड इफ यूर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड गाइस तुम्हें मिलेगा थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट राइट सो यस थैंक यू सो मच एवरी थैंक यू सो मच एवरी हम लोग मिलेंगे आज तीन बजे बजे स्पेशल क्लास में हम लोग मिल रहे हैं बिजनेस एंड कमर्शियल का चैप्टर नंबर टू कर रहे हैं और अभी है तुम्हारा सवा नौ बजे इंद्रेश सर का लेक्चर सो यस स्टे ट्यून राइट नाउ राइट इटा एवरी वन स्पेशल क्लास तीन बजे है टाटा एवरी वन टेक केयर एंड गाइस हैप्पी स्टडीज स्टे मोटिवेटेड राइट थैंक यू